म्यूचुअल फंड कहां से खरीदूं? अगर ये म्यूचुअल फंड ऐप जैसे ग्रो, ज़ेरोधा एक्सेट्रा बंद हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा? मेरी एसआईपी का क्या होगा? अगर ये ऐप फ्रॉड निकले तो म्यूचुअल फंड सीधा बैंक से खरीदूं या इन ऐप से? इनमें से सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है? सबसे कम चार्जेस कौन लगाता है? टेंशन नॉट, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आजकल इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का बूम आया हुआ है। लोग एफडी को छोड़ म्यूचुअल फंड्स में भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी म्यूचुअल फंड वीडियोस में भी सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदें, कहां से खरीदें, ऐप से लें या बैंक से खरीदें, सबसे अच्छा ऐप कौन सा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स बैंक यानी एएमसी से खरीदने में और ऐप से खरीदने में फर्क क्या है, सबसे अच्छा ऐप कौन सा है, सबसे कम कमीशन कौन लेता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार वीडियो लेके आता हूं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है एएमसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और दूसरा होता है एप्स, थर्ड पार्टी एप्स जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स एक्सेट्रा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फर्म होती है जो म्यूचुअल फंड्स निकालती है, यानी वो कंपनी होती है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, जिसके बदले आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है और कंपनी को फीस मिल जाती है। ज्यादातर बैंक्स ने अपनी खुद की एएमसी खोल रखी है, जैसे एसबीआई ने अपनी खोल रखी है, एचडीएफसी ने, आईडीबीआई ने, कोटेक ने, एक्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन है थर्ड पार्टी एप्स, एप्स जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स एक्सेट्रा। ये एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। अगर आप इन ऐप्स से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ये ऐप्स भी आपको एएमसी से ही खरीद के देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स तो एएमसी ही निकालता है, लेकिन ये ऐप्स आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं जो आपको एएमसी नहीं दे सकता। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये ऐप्स बंद हो गए तो हमारे पैसों का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इन ऐप्स से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको एक अलॉटमेंट नंबर दिया जाता है। ये अलॉटमेंट नंबर एएमसी के पास रजिस्टर्ड होता है। अगर ये ऐप्स बंद भी हो गए या फ्रॉड निकले तो आप सीधा एएमसी में जाकर अपने अलॉटमेंट नंबर से अपने म्यूचुअल फंड मैनेज कर सकते हैं। तो अब टेंशन फ्री हो जाइए। अब समझते हैं कि एएमसी और बैंक्स दोनों में से किससे म्यूचुअल फंड खरीदने चाहिए, किस में ज्यादा फायदा है। पहला है फंड सिलेक्शन। अगर आप एएमसी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप सिर्फ बहुत ही लिमिटेड म्यूचुअल फंड ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक एएमसी के पास सिर्फ खुद के ही म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे अगर आप एसबीआई की एएमसी में जाते हैं तो वो सिर्फ एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड बेचता है, तो आपके पास चॉइस बड़ी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप इन थर्ड पार्टी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप एक ही जगह बहुत सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, टाटा, आईसीआईसीआई, सब एक ही जगह, और उसमें से जो चाहे वो खरीद सकते हैं। सेकेंड है एक्सपेंस रेशियो। एएमसी में ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो फिक्स होता है, जो ज्यादातर हायर साइड पे होता है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वहीं इन थर्ड पार्टी एप्स में एक्सपेंस रेशियो एएमसी से बहुत कम होता है। इसका रीजन ये है कि इनका साइज और बार्गेनिंग पावर एएमसी से बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। थर्ड है कन्वीनियंस। आप एक एएमसी में जाकर सिर्फ उसी के ही म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जैसे आप एसबीआई की एएमसी में जाकर सिर्फ एसबीआई के ही म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीदने हो, जैसे एक एसबीआई का, एक एचडीएफसी का, एक टाटा का, तो आपको हर एएमसी में जाकर अलग अलग अपना अकाउंट खोलना होगा, जो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप एक ही जगह सारे म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, अलग अलग कंपनी के, जैसे एक एसबीआई का, एक एचडीएफसी का, सब एक ही जगह, और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आप ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो मैं अब आपको बताता हूं कि बेस्ट ऐप कौन सा है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए और किसके सबसे कम चार्जेस है, और मैं आपको इनके कुछ एडिशनल फीचर्स भी बताने वाला हूं जिससे आपको डिसाइड करने में आसानी होगी। कंपैरिजन के लिए हम इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड ऐप्स ले रहे हैं, जिसमें है एक ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ईटी मनी और पेटीएम मनी। अगर आप डाउनलोड्स की बात करें तो ग्रो के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, ज़ेरोधा के 1 मिलियन,
ईटी मनी के 20 मिलियन, अब स्टॉक्स के 10 मिलियन और पेटीएम के 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अगर एक्टिव यूजर की बात करें, चाहे डाउनलोड्स कितने भी हों, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं एक्टिव यूजर, यानी डाउनलोड्स में से कितने यूजर अभी एक्टिव हैं और म्यूचुअल फंड सेल परचेस कर रहे हैं। अगर एक्टिव यूजर्स की बात करें तो ग्रो में 5 मिलियन से ज्यादा यानी 50 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। ज़ेरोधा कॉइन में 7 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। ईटी मनी में 70 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं। अब स्टॉक्स में 40 लाख और पेटीएम मनी में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं अगर गूगल प्ले स्टोर रेटिंग की बात करें तो इसकी 4.3 है 5 में से ग्रो की रेटिंग, ज़ेरोधा की 4.1, ईटी मनी की 4.4, अब स्टॉक्स की 4.6 और पेटीएम मनी की 3.9, जो सबसे लोएस्ट है हमारी लिस्ट में। अगर आप अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो इन सब ऐप में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, जी हाँ 0। तो इनमें से आप कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो वो भी सारे ऐप्स में, चाहे ग्रो, ज़ेरोधा, ईटी मनी, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, सब में निल है, यानी 0। वहीं अगर कमीशन की बात करें तो अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, एक रेगुलर और एक होता है डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेंगे तो आपको कोई कमीशन नहीं देनी पड़ेगी किसी भी ऐप में, लेकिन वहीं अगर आप रेगुलर प्लान लेंगे तो 1-2% भी एक्स्ट्रा आपको कमीशन देनी पड़ेगी इन सारे ऐप्स में। तो इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चूज करें। वहीं अगर आप चार्जेस की बात करें तो इन सारे ऐप्स में आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो एएमसी हमारे से चार्ज करता है हमारी तरफ से म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए। अब इन ऐप्स के कुछ एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो ये ऐप आपको वाइड रेंज ऑफ फीचर्स देता है, जैसे गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अगर आपका कोई गोल है या आपको कुछ खरीदना है जैसे गाड़ी, तो आप इस पे गोल सेट कर सकते हैं कितना इन्वेस्ट करने पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा ये देता है SIP कैलकुलेटर, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। ये आपको एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान भी देता है जिसमें आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग, फंड फोरकास्ट, यानी ये फंड आगे कहां जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, एक्सेट्रा। वहीं अगर आप ज़ेरोधा से म्यूचुअल फंड लेते हैं तो ये एक सिंपल और इजी ऐप है जो आपको यूज करने में बहुत इजी लगेगा, लेकिन ये गुड ऑप्शन है उन इन्वेस्टर के लिए जो लो कॉस्ट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड देख रहे हैं। वहीं अगर आप ईटी मनी की बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है जो आपको वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करता है। आपको ये वैरायटी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स देता है, जैसे आपको वीडियोस देता है, आर्टिकल्स देता है और कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं। ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदें और कहां से खरीदें। मैं होप करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।